प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। नई नई नीतियां दी थी, नया विजन दिया था, डॉक्टर मुखर्जी की बनाई पहली औद्योगिक नीति में देश के जल संसाधनों के उचित उपयोग पर जोर दिया गया था। तो बाबा साहब ने देश की पहली जल संसाधन नीति और श्रमिकों से जुड़े कानूनों के निर्माण को लेकर अपने अनुभवों का उपयोग किया। देश में नदी घाटी परियोजनाओं का, डैम्स का, पोर्ट्स का निर्माण तेजी से हो पाया तो इसका बड़ा श्रेय इन दोनों महान सपूतों को जाता है। इन दोनों व्यक्तित्व ने देश के संसाधनों की शक्ति को समझा था, उसे देश की जरूरतों के मुताबिक उपयोग करने पर जोर दिया था। यहीं कोलकाता में 1944 में नई वाटर पॉलिसी को लेकर हुई कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने कहा था कि भारत की वाटरवेज पॉलिसी व्यापक होनी चाहिए, इसमें सिंचाई, बिजली और यातायात जैसे हर पहलू का समावेश होना चाहिए। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि डॉक्टर मुखर्जी और बाबा साहब के सरकार से हटने के बाद उनके सुझावों पर वैसा अमल नहीं किया गया जैसा किया जाना चाहिए था। साथियों, भारत के विशाल समुद्री सीमा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है। दुनिया में समुद्र तट से जुड़ा होना आज भी बहुत बड़ी ताकत माना जाता है। लैंडलॉक कंट्रीज अपने आप को कभी कभी असहाय महसूस करते हैं। पुराने समय में भारत की भी एक बहुत बड़ी शक्ति थी, गुजरात के लोथल पोर्ट से लेकर कोलकाता पोर्ट तक देखें तो भारत की लंबी कोस्टलाइन से पूरी दुनिया में व्यापार कारोबार होता था और सभ्यता संस्कृति का प्रसार भी। साल 2014 के बाद भारत की इस शक्ति को फिर से मजबूत करने के लिए नए सिरे से सोचा गया, नई ऊर्जा के साथ काम शुरू किया गया। साथियों, हमारी सरकार ये मानती है कि भारत के बंदरगाह भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार है और इसलिए सरकार ने कोस्ट पर कनेक्टिविटी और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया। सागरमाला परियोजना के तहत देश में मौजूद पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन और नए पोर्ट के डेवलपमेंट का काम लगातार किया जा रहा है। सड़क, रेलमार्ग, इंटरस्टेट वाटरवेज और कोस्टल ट्रांसपोर्ट को इंटीग्रेटेड किया जा रहा है। ये परियोजना कोस्टल ट्रांसपोर्ट के जरिए माल ढुलाई को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभा रही है।
इस योजना के तहत करीब 6,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के 625 प्रोजेक्ट की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और लगभग 125 पूरे भी हो चुके हैं। साथियों, सरकार का प्रयास है कि ट्रांसपोर्टेशन का पूरा फ्रेमवर्क आधुनिक और इंटीग्रेटेड हो। हमारे देश में ट्रांसपोर्ट नीतियों में जो असंतुलन था उसे भी दूर किया जा रहा है। इसमें भी पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट को इनलैंड वाटरवे यानी नदी जलमार्ग आधारित योजनाओं से विशेष लाभ हो रहा है और आने वाले समय में जल शक्ति के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का नेटवर्क भारत के विकास में एक स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में उभर करके आने वाला। बहनों और भाइयों, कोलकाता तो जल से जुड़े विकास के मामले में और भी भाग्यशाली। कोलकाता पोर्ट देश की समुद्री परिधि में भी है और नदी के नट पर भी स्थित है। इस प्रकार से ये देश के भीतर और देश के बाहर के जलमार्गों की एक प्रकार से संगम स्थली है। आप सभी भलीभांति जानते हैं कि हल्दिया और बनारस के बीच गंगा जी में जहाजों का चलन शुरू हो चुका है। और मैं काशी का एमपी हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से अब आपसे सीधा जुड़ चुका हूं। देश के इस पहले आधुनिक इनलैंड वाटरवे को पूरी तरह से तैयार करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। इस वर्ष हल्दिया में मल्टी मॉडल टर्मिनल और फरक्का में नेविगेशनल लॉक को तैयार करने का प्रयास है। साल 2021 तक गंगा में बड़े जहाज भी चल सकें इसके लिए भी जरूरी गहराई बनाने का काम प्रगति पर है। इसके साथ साथ गंगा जी को असम के पांडु और ब्रह्मपुत्रा से जोड़ने वाले इनलैंड वाटरवे 2 पर भी कार्गो ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो चुका है। नदी जलमार्ग की सुविधाओं के बनने से कोलकाता पोर्ट पूर्वी भारत के औद्योगिक सेंटर से तो जुड़ा ही है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार जैसे देशों के लिए व्यापार और आसान हुआ है। साथियों, देश के पोर्ट्स में आधुनिक सुविधाओं का निर्माण, कनेक्टिविटी की बेहतर व्यवस्था, मैनेजमेंट में सुधार जैसे अनेक कदमों के कारण कार्गो के क्लियरेंस और उसके ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े समय में कमी आई। टर्न अराउंड टाइम बीते 5 वर्ष में घटकर लगभग आधा हो गया। ये एक बड़ा कारण है जिसके चलते भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 79 रैंक का सुधार हुआ है। साथियों, आने वाले समय में वाटर कनेक्टिविटी के विस्तार का बहुत अधिक लाभ पश्चिम बंगाल को होगा,
कोलकाता को होगा, यहां के किसानों, उद्योगों और श्रमिकों को होगा, यहां के मेरे मछुआरे भाइयों बहनों को होगा। हमारे मछुआरे भाई जल संपदा का पूरा इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए सरकार ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम चला रही है। इसके तहत उन्हें इस क्षेत्र में वैल्यू एडिशन करने के साथ ही ट्रॉलर्स के आधुनिकीकरण में भी मदद की जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मछुआरों को अब बैंकों से सस्ता और आसान ऋण भी उपलब्ध हो रहा है। एक तरफ हमने अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाया है, उसी को ताकत देने वाला और उसी से अधिकतम फायदा लेने वाला अलग फिशरीज मिनिस्ट्री भी बनाई है। यानी विकास को हम कहां ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं, उसका संकेत इन रचनाओं में भी समाहित है। साथियों, पोर्ट लेड डेवलपमेंट एक व्यापक इकोसिस्टम का विकास करता है। इस जल संपदा का उपयोग पर्यटन के लिए, समुद्री पर्यटन, नदी जल पर्यटन, आजकल लोग क्रूज के लिए विदेशों में चले जाते हैं, ये सारी चीजें हमारे यहां बहुत आसानी से विकास किया जा सकता है। ये सुखद संयोग है कि कल ही पश्चिम बंगाल की कला और संस्कृति से जुड़े बड़े सेंटर्स के आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई और आज यहां वाटर टूरिज्म से जुड़ी बड़ी स्कीम लॉन्च हुई है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना से पश्चिम बंगाल के टूरिज्म उद्योग को नया आयाम मिलने वाला है। यहां 32 एकड़ जमीन पर जब गंगा जी के दर्शन के लिए आरामदायक सुविधाएं तैयार होगी, तब इससे टूरिस्टों को भी लाभ मिलेगा। बहनों और भाइयों, सिर्फ कोलकाता में ही नहीं, सरकार द्वारा पूरे देश में पोर्ट से जुड़े शहरों और क्लस्टर्स में एक्वेरियम, वाटर पार्क, सी म्यूजियम, क्रूज और वाटर स्पोर्ट्स के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार क्रूज आधारित पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। देश में क्रूज शिप की संख्या जो अभी 150 से करीब करीब 150 के आसपास है, अब उसको हम 1000 तक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं। इस विस्तार का लाभ पश्चिम बंगाल को भी का लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं। इस विस्तार का लाभ पश्चिम बंगाल को भी अवश्य मिलने वाला है, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों को भी मिलने वाला है। साथियों, पश्चिम बंगाल के विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। विशेष तौर पर गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों और पिछड़ों के विकास के लिए समर्पित भाव से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 90 लाख गरीब बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन मिला। इसमें भी 35 लाख से अधिक बहनें दलित और आदिवासी परिवार से हैं। जैसे ही राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना
पीएम किसान सम्मान निधि के लिए स्वीकृति दे देगी, मैं नहीं जानता हूं देगी कि नहीं देगी, लेकिन अगर दे देगी तो यहां के लोगों को इन योजनाओं का लाभ भी मिलने लगेगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि आयुष्मान भारत के तहत देश के करीब करीब 75 लाख गरीब मरीजों को गंभीर बीमारी की स्थिति में मुफ्त इलाज मिल चुका है। और आप कल्पना कर सकते हैं, जब गरीब बीमारी से जूझता है तब जीने की भी आस छोड़ देता है, और जब गरीब को बीमारी से बचने का सहारा मिल जाता है तो उसके आशीर्वाद अनमोल होते हैं। आज मैं चैन की नींद सो पाता हूं, क्योंकि ऐसे गरीब परिवार लगातार आशीर्वाद बरसाते रहते हैं। इसी तरह पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 8 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में लगभग 43,000 करोड़ रुपए, 43,000 करोड़ रुपए सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनके खाते में जमा हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई सिंडिकेट नहीं, और जब सीधा पहुंचता है, कट मिलता नहीं, सिंडिकेट का चलता नहीं, ऐसी योजना कोई क्यों लागू करेगा? देश के 8 करोड़ किसानों को इतनी बड़ी मदद, लेकिन मेरे दिल में हमेशा दर्द रहेगा। मैं हमेशा चाहूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि नीति निर्धारकों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, और गरीबों को बीमारी में मदद के लिए आयुष्मान भारत योजना और किसानों की जिंदगी में सुख और शांति का रास्ता पक्का हो, इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मेरे बंगाल के गरीबों को मिले, मेरे बंगाल के किसानों को मिले। और बंगाल की जनता का मिजाज मैं जानता हूं, भलीभांति जानता हूं,
बंगाल की जनता की ताकत है कि अब इन योजनाओं से लोगों को वंचित कोई नहीं रख पाएगा। साथियों, पश्चिम बंगाल के अनेक वीर बेटे बेटियों ने जिस गांव गरीब के लिए आवाज उठाई, उनका विकास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति की, किसी एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे भारतवर्ष का सामूहिक संकल्प भी है, सामूहिक दायित्व भी है और सामूहिक पुरुषार्थ भी है। मुझे विश्वास है कि 21वीं सदी के नए दशक में जब दुनिया एक वैभवशाली भारत का इंतजार कर रही है, तब हमारे ये सामूहिक प्रयास दुनिया को कभी निराश नहीं करेंगे। ये हमारे प्रयास जरूर रंग लाएंगे। इसी आत्मविश्वास के साथ 130 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति और उनके सामर्थ्य पर अप्रतिम श्रद्धा होने के कारण मैं भारत के उज्जवल भविष्य को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं और इसी विश्वास के साथ आओ हम कर्तव्य पथ पर चले, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए आगे आए। 130 करोड़ देशवासी जब अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो देश देखते ही देखते नई ऊंचाइयों को पार कर देता है। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 वर्ष के लिए और विकास परियोजना के लिए आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सबको, पूरे पश्चिम बंगाल को, यहां के महान परंपरा को नमन करते हुए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ ये धरती प्रेरणा की धरती, देश को जगाने का सामर्थ्य रखने वाली धरती है। यहां से पूरी ताकत से हमारे सपनों को समर्थता हुआ नारा हम बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके, मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।